हेलो स्टूडेंट्स मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना आला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरे जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका टेन परसेंट करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहिए तो आज हम इलेवंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर सेवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर सेवन पॉइंट टू सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं इसलिए इस वीडियो को पूरा दिखेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या आज का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एन की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर सेवन क्या है उसका स्टेटमेंट फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना हमारे पास क्या है ट्राइंगुलर लेमिना लेमिना क्या होता है अ थिन प्लेट अथिन प्लेट और कैसे प्लेट फ्लैट अ थिन फ्लैट प्लेट एक प्लेट है हमारे पास कैसे थिन और फ्लैट प्लेट है हमारे पास क्या है एक थिन और फ्लैट प्लेट है और उसका शेप शेप कैसा है लाइक अ ट्राइंगल उसका शेप कैसा है ट्राइंगल के जैसा शेप है इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया एल एम एन ट्राइंगल को क्या नाम दे दिया हमने एल एम एन तो हमें इस ट्राइंगुलर लेमिना का क्या फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास हमने ये कंसिडर किया करके रखा है कि इसका सभी जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सेम कि इसके वन सेंटीमीटर में वन सेंटीमीटर स्क्वायर में इधर जितना मास है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह मास कैसा रहेगा सेम तो हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने क्या कंसिडर किया इस बेस के पैरल बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप में इस ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया हमने क्या किया इस ट्राइंगल को इसकी जो बेस है बेस के पैरेलल बहुत सारे स्ट्रिप्स में क्या कर दिया इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया तो ये जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा इसके मेट पॉइंट पर इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ पॉइंट मास कहाँ रहेगा इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर रहेगा इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ और इसका यहाँ तो इस इन सभी स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है वो इन सभी के मिड पॉइंट पर रहेगा क्योंकि जितना इधर मास उतना ही इधर मास तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा इनके मिड पॉइंट पर तो इन सभी को मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया इन सभी सेंटर्स ऑफ मास को मैंने क्या करा ज्वाइन करा तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई लाइन इसको हम नाम दे देते हैं एल एम एन ओ पी पी नाम दे देते हैं ठीक है तो ये जो एल पी है एल पी क्या है मीडियन ऑफ ट्राइंगल एल पी क्या है ट्राइंगल का मीडियन है तो इस पूरे ट्राइंगुलर जो लेमिना है इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर कहीं पर होगा क्योंकि हमने क्या कहा इतने छोटे से पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो सभी स्ट्रिप्स का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्राइंगल ट्राइंगुलर लेमिना है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा इसी स्ट्रिप पर होगा ठीक है फिर से इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ ये मैंने ड्रॉ कर लिया ये हमारा एल एम एन ठीक है ये हमारा एन है तो अब हम क्या करते हैं ये जो एल एन है एल एन के पैरेलल बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर, कर लेते हैं हमने क्या किया एल एन के पैरेलल बहुत सारे स्ट्रिप्स कट कर ली तो पहले क्या किया था हमने एम एन के पैरेलल बहुत सारी स्ट्रिप कट की थी अब हमने किस में डिवाइड कर दिया इसको एल एन के पैरेलल बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया तो इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास फिर से इसके मिड पॉइंट पर इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड 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 पॉइंट्स पर सभी के सेंटर ऑफ मास रहेंगे ठीक है थोड़े से मिड पॉइंट आगे पीछे बन गए हैं तो अब सिर्फ फिर से अगर हम इन सभी मेड पॉइंट्स को ज्वाइन करें हम क्या करें इन सभी मेड्स पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ यहाँ और यहाँ इन सभी मेड्स पॉइंट को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया तो फिर से ये जो हमारा ट्राइंगर लेमिना है इस पूरे ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर होगा इसको हम नाम दे देते पी इसको नाम दे देते दे क्यू तो मतलब एम क्यू जो ले मीडियन है उस मीडियन पर इस पूरे ट्राइंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास होगा फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं एल एम एन अब क्या करेंगे अब ये जो एल एम है इसके पैरेलल बहुत सारे स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमने कर दिया डिवाइड अब क्या किया हमने ये जो एल एन साइड है उस एल एन साइड के पैरेलल सभी को क्या कर दिया बहुत सारे इस ट्राइंगल को बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया फिर से ये वाली जो स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास इसके मीडियन पर होगा इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इस स्ट्रिप के मीडियन पर होगा इसका इसके मीडियन 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 अब उन सभी मीडियन को अगर हम क्या कर लें जॉइन कर लें उन सभी मीडियन को इसका मीडियम यहाँ यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ और इसका यहाँ कि इन सभी के सेंटर ऑफ मास की इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर तो उन सभी मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया जॉइंट इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर ठीक है तो ये इस अब हमने क्या कहा कि इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर है सभी मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो मतलब इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का जो मीडियन है वो इस जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर कहीं पर होगा तो इन तीनों ट्राइंगल को अगर हम इन तीनों ट्राइंगल को कंबाइन कर कर अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा एल ये है एम और ये क्या है एन तो हमने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगर का लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा एल पी पर रहेगा हमने ये भी कहा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पर रहेगा एम क्यू पर भी रहेगा फिर हमने और क्या कहा कि जो इसका सेंटर ऑफ़ मास है इसका जो सेंटर ऑफ़ मास है वो एन आर पर भी रहेगा तो हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास एल पी पे होगा फिर दूसरी बार हम ये भी बोल रहे हैं कि इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास एम क्यू पर भी होगा फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि इस पूरे ट्राएंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ़ मास एम आर पर भी होगा मतलब एक ऐसा पॉइंट हमें लेना पड़ेगा जो इन तीनों पर हो तो वो कॉमन पॉइंट का कौन सा है ये वाला तो ये जो पॉइंट है ये एल पी पर भी है एम क्यू पर भी है और एन आर पर भी है तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास जो कि इस ट्राइंगल का क्या रहेगा सेंटर्ड रहेगा ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वही किसके इक्वल रहेगा इस ट्राएंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास तो हमने क्या कहा हमने हमें कहा था कि हमारे पास एक ट्राइंगुलर लेमिना है मतलब एक थिन फ्लैट प्लेट है जिसका शेप कैसा है ट्राइंगल के जैसा है तो हमें कहा था कि उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो तो उसके लिए हमने क्या किया पहले एम एन के पैरल बहुत सारी स्ट्रिप्स में उसको डिवाइड कर दिया और कहा कि इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर इन सभी सेंटर ऑफ मास को इन सभी पॉइंट्स को हमने ऐड कर दिया तो हमने कहा कि इस पूरे ये स्टेप 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 सभी स्टेप्स मिलके क्या बन गया ट्राइंगल ट्रायंगुलर लेमिना बन गया तो इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास इस एल पे मीडियन पर रहेगा इसी टाइप से फिर एक बार हमने किसके पैरल इस एल एन के पैरल उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया उन सभी के सभी स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मास निकाले और उनको एड उन सभी को ज्वाइन कर दिया तो हमने कहा कि इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एस वाली लाइन पर भी होगा इसी टाइप से एल एम के पैरेलल हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट की और उनके सभी के मिड पॉइंट्स को उन सभी के सेंटर ऑफ मास एस वाली स्ट्रिप इस स्ट्रिप इस स्ट्रिप इन सभी स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मास के पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमने कहा कि इस स्ट्रिप एल एन के भी या तो सेंटर ऑफ मास एल एन पर होगा हमने फिर ये भी कहा कि सेंटर ऑफ मास एम के ऊपर भी होगा हमने ये भी कहा कि सेंटर ऑफ मास एन आर पर भी होगा तो मतलब सेंटर ऑफ मास इन तीनों लाइन पर होगा तो तीनों लाइन पर कब होगा जब सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट पर होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तीनों लाइंस पर है मतलब सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर होगा तो हमसे पूछा था कि ट्राएंगुलर लेमिना, तो लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालो तो ट्राएंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा इस ट्राएंगुलर लेमिना के ज्योमेट्रिक सेंटर पर रहेगा क्योंकि जियोमेट्रिक सेंटर से ही तो तीनों मीडियन होके जाएगी ये तीनों मीडियन इस पॉइंट से होके जाती है जा रही है और तीनों मीडियन कहाँ से जाती है जियोमेट्रिक सेंटर से तो मतलब ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके जियोमेट्रिक सेंटर पर होगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा बाय